बिहार का कोई भी युवा क्यों ना हो, उससे अपने जीवन में एक ना एक बार सरकारी नौकरी का ख्वाब जरूर देखा होगा। और देखे भी क्यों ना, बिहार का हर बिहारी इसी परिवेश से उठा है कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी में जरूर लगना है। ऐसे में हर साल अलग अलग विभाग क्षेत्र के लिए नौकरी की तलाश में लाखों युवा परीक्षा में बैठते हैं। हालांकि उनमें से कुछ को तो जरूर सफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोग केवल निराशा के साथ संतुष्ट होते हैं। ऐसे में अगर आपको पता चले कि आपके पास बगैर परीक्षा के सरकारी नौकरी करने का मौका है, तो आप भी थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित जरूर होंगे। लेकिन ऐसा सच में होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार के स्टेट हेल्थ सोसाइटी में इन दिनों बंपर वैकेंसी निकाली गई है। अब आपको बिना किसी लिखित परीक्षा में बैठे बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नौकरी मिल सकती है, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। अब आपके मन में भी यह सवाल होगा कि आखिर यह वैकेंसी है किस चीज की, तो हम आपको बता दें कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से माइक्रोबायोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ऐसे में इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाकर आवेदन देकर इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही किए जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार 22 और 23 दिसंबर 2021 को निर्धारित वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। अगर उम्मीदवार इंटरव्यू में सफल हो जाते हैं तो फाइनल चयन भी कर लिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इन पदों के लिए आपको सैलरी बेहद ही मोटी ताजी मिलने वाली है। अगर हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पद की बात करें तो इसमें उम्मीदवार को 41,000 रुपये, माइक्रोबायोलॉजिस्ट CNDST के लिए भी 41,000 रुपये और सीनियर लैब टेक्नीशियन NTEP पद के लिए चयनित होने पर 19,000 रुपये सैलरी मिलेगी। हालांकि ध्यान रहे कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को माइक्रोबायोलॉजिस्ट EQA या TRL के MD माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, सामान्य सूक्ष्मजीव विज्ञान में PhD या मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में MSc, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में MSc, जनरल माइक्रोबायोलॉजी में MSc होना अनिवार्य है। अगर आप उपर्युक्त दिए गए योग्यता को पूरा करते हैं तो आप इन पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि आपको इस परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा में नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसी नौकरी के अवसर होते हैं जिसमें लोगों को परीक्षा आदि का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई उम्मीदवार की छटनी पहले ही हो जाती है। लेकिन इन पदों के लिए ऐसी कोई झंझट होगी ही नहीं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।